सुनाऊं तुम्हें एक कहानी, जहाँ का था राजा वहाँ की थी रानी। सुनो चंदा सुनो चंदा। डीजे रुक, तो अच्छा है ना, दो चार दिन लोग सुकून में रहेंगे। और सर, पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं जो जिया पे हुमा पानी की सारी बातें रिकॉर्ड करके वीडियो भी बना के ले आओ। बकवास कर रहा है। चाचा ने थप्पड़ क्यों मारा तुम्हें? तुम्हें किसने बताया? बीजान ने। अर्सल ने बात की तुमसे दोबारा? वो तो ऐसे देखते हैं जैसे पहचानते ही नहीं है। जिया ने बात की आपसे? वो तो मुझसे इस तरह बात करिए जैसे हमारे दरमियान कोई रिश्ता ही नहीं रहा हो कभी। तुम्हें अरसल से मोहब्बत हो गई है ना? बेटा डर जाए, सारे घर वालों का हर रोज कोई नवी फसूली नया स्यापा पै जाता है। मैं तो कहती हूँ इस घर के बाहर से ना मुमताजा उसका बोर्ड हटा के स्यापा हाउस लगवा दें आप। ओहो, चुप हो जाओ शाना, मेरा सर फटा जा रहा है वैसे बीजान की बातें सुनकर। सीधा सीधा जाके बीजान को बोल दे ये फैक्ट्रियां बेचने वाला मंजन जो है ना कहीं और जाके बेचे, मामा जी का राज लगा के फैक्ट्रियां बेच दो। ये सारी गलत पटियां बीजान को आगा जी पढ़ा रहे हैं। ये आगा जी का मक्खी तो मैं ऐसा ठपूंगी ना कि सारी जिंदगी याद रखेंगे। है पहले तो बीजान आगा जी को मुंह नहीं लगाती है, मत्थे से मत्था जोड़ के बैठ के मशवरे दे रहे। लल्ला माफ कर दे, इस दुनिया में किस कदर मुनाफकत है। अच्छा ये बताओ कि वो मनुज जलाल मान गया कि नहीं? जलाल तो मान गया है लेकिन अपनी बेटी की शादी नहीं, अपनी शादी। आए, लो जी नवा कटा खुल गया, बल्कि कटे का प्यो खुल गया। इस बिल्लू को तो मैं जहर दे दूंगी पकौड़ों में मिला के। मासूमा बताओ तो सही, हुआ क्या है? खुल्लम खुल्ला इस घर की छत के नीचे शादी की प्लानिंग हो रही है। रंगे हाथों पकड़े मैंने जलारो बिल्लू को, छोड़ूंगी नहीं मैं दोनों को। हाय देख लो साइया कितने तबदाइया कितने। मगर बिल्लो कैसे शादी कर सकती जलाल भाई से? जैसे आपने की थी मुझसे, हैं इसमें कौन सी मुश्किल बात है? कौन से हाल जोतने होते हैं? तीन बारी यूं यूं करके सारी हिलाना होता है ना। जा रही हूँ मैं बीजा बताने उनकी भाजी की करतूत। मैं जा रही हूँ, जाके ना जलाल भाई की तबीयत सेट करके आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ठहर जाओ ठहर जाओ, घर में फिर एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। बैठो बैठो बैठो। ये जमशेद मैं बता रही हूँ सुंगा से ना गले संभाला नहीं जाना, मैं ही जाके सही करके आती हूँ उनको। क्यों नहीं समझ रहा अरसल मेरी फीलिंग्स को? क्यों हर्ट कर रहा है मुझे बार बार? पता नहीं कैसी मोहब्बत है उसकी जिसके आगे उसे मेरी चाहत दिखाई नहीं दे रही। नईमा ने अच्छे खासे इंतजाम कर रखे थे, हम सब लोग काफी शिद्दत से आपका इंतजार कर रहे थे लेकिन आप लोग आए नहीं, सब खैरियत तो थी, क्या हुआ? एग्जैक्टली अंकल, यही घर था, एक मोटा सा बच्चा आया, उसने कहा कि यहाँ पे कोई नईमा बेगम रहती है। बुलिया क्या था उसका? इतने इतने बाल थे, शॉर्ट्स पहने हुए थे और गोरा सा था, थोड़ा सा फ्लफी सा मोटा सा। अरे छोड़ो साद, हो सकता है वो मोहल्ले का कोई बच्चा हो, आजकल बच्चे वैसे ही बहुत शरीर हो गए हैं। हाँ हमारे बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। आइए ना नईमा, कब से आपका इंतजार करिए, आ जाइए। जी आप ही मुझे बचा ले, जी आप ही मुझे बचा ले। क्या हुआ क्या है? वो जो उस दिन लोग नहीं आए थे जिनको मैंने चूना लगाया था, वो लोग आज आ रहे हैं मुझे पहचान लेंगे। तो जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? वो सल्लू भैया बहुत टेंशन में थे और बहुत परेशान थे, जिया भी मैंने उनसे प्रॉमिस कर लिया था। अच्छा अच्छा, रोने की कोई जरूरत नहीं है, जाके मासूमियत से अपने कमरे में लेट जाओ, मैं अम्मा को कह दूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। बिल्कुल सही है, बोलेगा पेट में दर्द है। सो तो बको मत मोटू, वैसे मैं बहुत टेंशन में हूँ। टीचर की मैं इनको टेंशन लेनी नहीं, देनी चाहिए उनको भगाना है ना। एक आइडिया है, जब भी आलिया आंटी का बेटा आपकी तरफ देखे ना, आप ना बैंगी हो जाइएगा।
तुम महंगे बने नहीं थे वैसे। निकलो यहाँ से, जाओ। मैं क्या और पेट के दर्द के बहाने से सोने जा रहा हूँ। कपड़े इस्त्री करना अजाब कर दिया है, ट्राउजर किधर रखा है? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए बीजान। अरसर और जिया की शादी तोड़वाना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं? आप बदला ले रही हैं मुझसे? अरे मैं कौन होती हूँ बदला लेने वाली, वो तो ऊपर है जो सबका हिसाब किताब रखता है। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरा घर बर्बाद हो रहा है बीजान इस बिल्लों की वजह से। मासूमा ईमानदारी से सच मुझे बताओ, तुमने अपने शौहर का कितना ख्याल रखा है? जब से शादी हुई है शुतर बेमहार की तरह से छोड़ा हुआ है। कभी दो बोल प्यार के बोले हैं, कभी अच्छी बीवी की तरह से खिदमत की है। कितने सालों से उसका घर संभाल रही हूँ, क्या ये काफी नहीं? अकलमंद औरतें होती है ना, घर के साथ साथ शौहर को भी संभालती हैं। मगर तुम तो हर वक्त पंचायत लगाए बैठी रहती हो ना, कभी पता किया क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, कब आता है। अब बिल्लो जैसी तो अदाई नहीं है ना मेरे पास। हाँ तो सीखो ना, आखिर को वो तुम्हारा शौहर है। मुझे नहीं पता बीजान, आप इस बिल्लो के मेरे शौहर का पीछा छोड़े। और तुम अरसल का पीछा छोड़ दोगी? शाहाना और जमशेद को मना कर दोगी कि अरसल की और किंजा की शादी नहीं हो सकती? अब आप मुझे ब्लैकमेल करेंगी? मासूमा हर बात का उल्टा मतलब क्यों ले लेती हो तुम? अरसल और किंजा की शादी होगी, चाहे जलाल एक शादी नहीं 10 शादियां करे। अब मेरी भी इज्जत है। लिपस्टिक साफ करो। हैं? लिपस्टिक साफ करो जिया। सब क्या? जो मैं कह रहा हूँ करो। ये इयररिंग्स उतारो। हैं? इयररिंग्स क्यों उतारो? उतारो ना, जो मैं कह रहा हूँ करो। इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? मेरी मान मेहमानों को जाके अपनी शादी का कार्ड दिखा दे, बेस्ट हो जाएगा। तो हटा दी ना, इंपॉर्टेंट थे। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, बैठ जाओ बेटा। बैठो मेरे पास। माशाल्लाह, बैठो बैठो मेरे पास। नहीं माँ, हमारी बेटी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आलिया, मेरे ख्याल में इफ्तारी का वक्त हो गया तो हमें डाइनिंग रूम में चलना चाहिए। आ जाओ। हाँ चलो, आ जाओ आ जाओ बेटा। आओ अजय, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसी वैसी अब बैठी होगी उस छन्नो के कदमों में अपनी सगी माँ के गुना बख्शवाने। अरे इस वक्त तो यकीनन मेरे कत्ल का मंसूबा बन रहा होगा। वैसे भी जान एक बात हम बोलते हैं, तुम्हारा जेन आपत किस्म का है, क्या चलता है बिल्कुल लैप 16 की तरह जूम। हाँ भाई क्यों ना हो, आखिर को माँ हूँ मैं इनकी। ये जो पाप बनने की कोशिश करते हैं ना, लग पता जाएगा इन्हें। आओ खाना, आओ खाना। मैंने सुना है कि जिया के रिश्ते के लिए कोई पार्टी आई हुई है। अरे आगा जी, पार्टी तो अभी शुरू है। कर लेने दो इनको, जो ये करना चाहते हैं कर लेने दो इन्हें। मगर ये ठीक नहीं हो रहा है मुताजेगा। कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की, और वैसे भी भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मुमताज़ बेगम, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं,
इनको कर लेने दो जो ये इन्होंने करना है, बस तुम जाओ ना इफ्तारी का इंतजाम करो। जी बीजान। बीजान, हम भी इनका मदद करते हैं। आइए ना। मैं हकीकतन परेशान हो रहा हूँ मुमताज बेगम। क्यों? तुम तो तब परेशान नहीं हुए जब सारा खानदान तुम्हारी तरफ देख रहा था, और अभी मैदान छोड़कर भाग जाना। तुम्हें तो बहुत तजुर्बा है ऐसे मामलात का। भूल जाइए मुमताज बेगम, जब से आपने मेरे दिए हुए तोहफे को शर्फ कबूलियत बख्शा है, खुदा की कसम यहां से अगर हम मिल जाए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। टेंशन क्यों ले रही हो किंजा? पापा वाकई बिलवाटी से शादी कर लेंगे। वो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं यार, बेवकूफ थोड़ी हैं। मम्मी ने खुद अपने कानों से सुना है। वो ऐसी कह रहे होंगे मासूम आंटी को तंग करने के लिए। चली पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा चलो मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, थोड़ा सैर करा देता हूँ, तुम्हारा मूड सही हो जाएगा। मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह टेंशन में नहीं देख सकता किंजा। यार अब हम दोनों ही तो रह गए दूसरे को कंपनी देने के लिए, वो दोनों तो पता नहीं अपने चक्करों में लगे हुए हैं। कसम से यार मैं तो बोर होना शुरू हो गया पाकिस्तान में। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर जा रही हूँ, मैं मुद्दा के आई। बड़ी जबरदस्त अफ्तारी थी नहीं माँ, और माशाल्लाह जितनी प्यारी तुम्हारी बेटी है ना उससे कहीं ज्यादा सुंदर। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे इंशाल्लाह। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इसे फौरन ही अपनी बहू बना के ले जाऊँ। जी जी क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं। ये बेटा आप अपने रूम में जाओ, हमें कुछ बात करनी है। हाँ आलिया, वो एक बात करनी है। करो ना। हाँ मैं बताती हूँ, वो एक बात थी जो कि मैं ना अभी बताती हूँ, चलिए जरा मैं एक मिनट मारे। अब बर्तन उठाने हैं ना इसलिए। अच्छा। मैं इसलिए जा रहा हूँ साथ। मुझसे ज्यादा हैंडसम है? पता नहीं। इसकी कोई बहन शहन नहीं है? क्यों? नहीं मैंने कहा ऐसे ही मेरा भी कोई चांस लग जाएगा। हाँ तुम एक काम क्यों नहीं करते ये? मुझे डालो खड्डे में, जाके तुम अपना चांस देख लो, मेरी खैर है ना? है ना? नहीं तुम्हारा क्या होगा, मेरा मतलब है कि हम दोनों की वैसे नहीं बनती, और तुम्हें आजकल मैं वैसे ही बहुत बुरा लग रहा हूँ, तुम्हारा भी रिश्ता खराब हो जाएगा। बैड आइडिया, ड्रॉप करते हैं आइडिया। सर सोचना बंद करो, बकवास नहीं किया करो, वैसे ही बंदा इतना। हम मत लाया स्पेशल ईदी दिस ईद, shop groceries worth of rupees 3000 and get khadi gift card worth rupees 500 for free. Hum Mart kare life aasan.
तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था अरसल और जिया के निकाह का। मैं बताने ही तो लगी थी लेकिन मुझे हुआ नहीं। बेवकूफ औरत, जानती औरत इस पॉइंट को क्लियर के बगैर मामला आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं कर रही थी ना, मैं आपके सामने कर तो रही थी, बस तुम इतनी बड़ी तो फोन करके उनको पहले बता देती। अच्छा नाम हो गया मुझसे, अब बताए करना क्या है। जिया तो उनको पसंद आ गई। मैं बताऊं? हाँ मैं बताता हूँ तुम्हें। अब करना यह है कि हम उनको कहेंगे कि ये निकाह जबरदस्ती हुआ था, हमारी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं थी, कोई हमारी बेटी भी नहीं चाहती थी। बताना जरूरी है। बहुत जरूरी है। कैसी हो जिया? जिया ठीक। गैस चलेगा तुम्हारे? नहीं, बैठे हैं अभी तक। अच्छा, हम लोग बाहर जा रहे थे, तुम चलोगी साथ? नहीं, मेरा मूड नहीं है, आप लोग जाएं। क्या जरूरत थी आपको उससे कहने की? एटीट्यूड चेक किया है उसका? यार मुझे लग रहा है वो किसी बात से डिस्टर्ब है। एक्टिंग कर रही होगी आप मर्दों का दिमाग खराब करने के लिए। अच्छा छोड़ो ना, तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? चलते हैं, लेट्स गो। कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी लगी मुझे भी, बहुत प्यारी लगी। मैं सीख रही थी, ईद के बाद मैं बात करती हूँ। उनके फादर भी अच्छे, मुझे उनके अखलाक बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? नहीं मारती नहीं नजर आ रही। हाँ वो अपने हस्बैंड से कुछ बात करने अंदर गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्त है आप उनकी? हाँ मैं नहीं मारती, बहुत अच्छी दोस्त हूँ। आपकी तारीफ। मैं जिया का फर्स्ट कजन हूँ जी। ओ जी जी, और हस्बैंड भी हूँ माशाल्लाह से। व्हाट हस्बैंड? हाँ जी, निकाह हुआ है ना हमारा, थोड़े दिनों में इंशाल्लाह तला शादी है। बल्कि मुझे तो याद आया, मैं तो आपके लिए कार्ड ही लेके आया हूँ। आंटी जरूर आइएगा, बमा फैमिली इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। अच्छा यार बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, इंशाल्लाह फिर शादी पे मुलाकात होगी। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज़। क्या ये साथ? क्या मजाक लगाया मामा? ठीक है ना, आइए तो सही। हमें विजिट करने के लिए बुला लिया वो ना। ये क्या है? ये क्या है? कहाँ से मिला तुम्हें? ये बताओ कि जब सब कुछ तय था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो आलिया मैं वो तुम्हें सब बताने लगी थी, तो मुझे मौका था, तो तुम बैठो मैं तुम्हें तफसील से समझाती हूँ सब कुछ। बैठने की कोई गुंजाइश नहीं बनती मामा, चलें यहाँ से। अरे नहीं बेटा, आप बैठो, बात तो सुन लो। सॉरी भाई साहब, अब निकाह की बात के बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बनती बात करने की, इसलिए आप हमें इजाजत दें प्लीज। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये ना ये निकाह वाला किस्सा एक दो हफ्तों में खत्म होने वाला है, तुम क्यों सीरियसली ले रही हो इस बात को? उसूलन तो तुम्हें मुझे बुलाने से पहले बताना चाहिए था नईमा। मैं बताने वाली थी, मैं अभी I'm sorry, मेरे से गलती हो गई। देखो मैंने गलती की है ना, तुम अपना ज़र्फ़ बड़ा कर लो। नहीं माँ, मैं अपना ज़र्फ़ कितना ही बड़ा कर लूँ, क्या मैं किसी ऐसी बच्ची को अपनी बहू बना सकती हूँ जो पहले से किसी के निकाह में है? अरे नहीं नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसा कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड, ये तो वही बच्चा है। कौन? ये मेरा बेटा है दानियाल डीजी। ये तो वही बच्चा है जिसने हमें गलत गाइड किया था, इसने कहा था कि यहाँ कोई नई माँ नहीं रहती। नहीं ऐसे दो हैं, एक साथ वाले घर में भी रहता है, ये नहीं है। आंटी वो मैं तो दूर नहीं। मामा इस घर में हर किसी को झूठ बोलने की बीमारी है। मामा चलें यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, एक्सक्यूज मी। आलिया छोटे मोटे, यही कह रहा था वो। मैं शर्म नहीं आई, मेहमानों के साथ इतना बड़ा झूठ बोला अपने साइज का, ये क्या किया है तुमने? क्या सोच रहे होंगे वो कि ये औलाद की तरबियत की है हमने? ऊपर से वो महारानी मुंह फुलाए बैठी हुई थी। मुझे तो लगता है ये कार्ड वाली हरकत भी ना इसी ने की है। क्यों मोटे बता? कसम से मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम्हें सब कुछ पता होता है डीजे, झूठ मत बोलो, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कसम से मुझे कुछ नहीं पता। बताए ना, बता कमरे में था। हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारी शादी का कार्ड आलिया को किसने दिया? शादी का कार्ड?
हाँ हाँ फारसी बोल रही हूँ, तुम्हारी शादी का कार्ड आलिया को किसे दिया अंदर कमरे में आके? इतनी मुशक्कत करने की क्या जरूरत है? मेरी मान मेहमानों को जाके अपनी शादी का कार्ड दिखा दे, बेस्ट हो जाएगा। मैं कुछ पूछ रही हूँ जिया, जवाब दो मुझे। मुझे नहीं पता, और डीजे डीजे तो खुद मेरे साथ का कमरे में मेरा। तो फिर ये घटिया हरकत किसने की है? आप मानो या ना मानो, ये घटिया हरकत जेठानी साहिबा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ये कार्ड वाला कारनामा भी उन्हीं का है। लेकिन मासूमा भी तो अपना बदला ले सकती है ना हमसे। मासूमा ऐसा क्यों करेगी, वो तो चाहेगी कल की होती आज हो जाए शादी जिया की, ताकि अपनी बेटी के लिए वो मैदान साफ कर दे। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। अरे अच्छा हुआ निकल गया, जैसे अब बात कर रहे थे ना, पता नहीं खाना कैसे खाते वो। क्या? हाँ तुम दोनों जाओ अपने कमरे में जाओ। मेहनत से मैंने इफ्तारी बनाई थी, सारी मेहनत पे आपने पानी फेर दिया। पानी नहीं फेरा, उन्होंने मुंह फेर दिया। मेडिसिन पता कहाँ है? हाँ, लेकिन मैं पर वो सुने तो हाय अल्लाह जी, नगीना चाची क्या हो गया है? ब्रेक पे पैर तो मारो तुसी। नहीं वो अरसल की शादी की तैयारी जो है ना, और तरीके अभी तक हमें नहीं पक्की पता, आगे पीछे हो सकती हैं। क्या निकल आया कराची के लिए? लेकिन अच्छा मैं बाद में गल करनी है, मेरी शुगर काट रही है। खुदा हाफिज। अरे बेड़ा तर्ज है। खुदा के वास्ते शाना की बुरी खबर नहीं सुनाना। ना जमशेद साहब आपका क्या मतलब है ये मनहूस खबर? मैं अपने सीने में दबा के अपने आप को हार्ट अटैक करा लूं, हॉल पड़ रहे हैं मुझे। हुआ क्या आखिर? वो नहीं है चीचा वतनी वाली मेरी चची नगीना और फनागिन, वो जिन्होंने हमारी शादी में फसाद डाला था। खैर फसाद तो आपके खानदान वालों ने भी कम नहीं डाला था। हाँ मगर तुम्हारी नगीना चची की अजमत को कोई नहीं छू सकता था। अच्छा छोड़ो ना, वो ना उनका बेटा नहीं है जवाद उर्फ जोजी, वो आ रहा है शादी अटेंड करने के लिए। किसकी शादी? ना क्या हो गया आपको, अरसल और किंजा की शादी अटेंड करने के लिए एक ही तो शादी हो रही है। लेकिन दुल्हन की तब्दीली की तरह तो अपने खानदान में किसी को भी नहीं दी। हाय हाय दफा करो, स्टेज पे बैठी हुई ना सारी दुल्हनें एक जैसी लगती है, किसी को क्या पता चलेगा किंजा बैठी है कि जिया बैठी है। मेरे खानदान वाले कोई अंधे बहरे थोड़ी हैं, बाल की खाल निकालने में पीएचडी कर रखी है सबने। अच्छा इस वक्त तो मुझे जोजी की टेंशन हो रही है, आपको नहीं पता उसके अंदर ना एक घटिया किस्म की औरत छुपी हुई है, हर बात पे ना चची को जाके कॉल खड़का देता है। मैं आपको बता रही हूँ हमारा घर जो है ना हेडक्वार्टर बनने वाला है। शुक्र करो वो नहीं आ रही उसके साथ। आ जाओ। हाय अल्लाह क्या हुआ है किंजा पुत्र, मुंह शरीफ पे वारा क्यों बजे हुए? मुआन जान आपको तो पता ही है जिया ने खुला वाला केस वापस ले लिया, वो भी अरसल के कहने पे। आये मेरे पुत्र का टैक्का ही इतना है, डर गए होंगे उससे। तो फिर आप उसी से करा दें उसकी शादी। हाँ तो बीरी को क्या हुआ है? मुझे लगता है तुम्हारा बेटा अंदर खाते में कोई बड़ी बेगैरती कर रहा है, इसलिए निमन्नमास्ता आजकल। बाकी सारी बातों को छोड़े पंजाबी चेक किया आपने अपनी जमशेद साहब, है निम्मा निम्मा स्वाद आ गया सुन के। फिलहाल तुम अपने बेटे की क्लास लो जाके, कहीं ऐसा ना हो पूरे खानदान वाले स्वाद हासिल करें हमारे हालात देख के। अब तो शादी के मेहमान भी आना शुरू हो रहे हैं। अच्छा चलो तुझे टेंशन ना लो, हाय मैं जाके देखती हूँ निम्मा निम्मा स्वाद ही आ गया। क्या पंजाबी की पड़ी हुई है, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आ रही है, सारी जुबाने भी आ गई फिर भी मसले हल। हेलो। हाँ जिया। माँ यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, मैं क्या करूँ? हाँ पास करो या बर्दाश्त करो मेरी जान। सुनो माँ मेरी तो ये सोच सोच के चार निकली जा रही है कि अगर अम्मा अप्पा को पता चल गया केस के बारे में तो मेरा क्या होगा यार। और आजकल मैंने अरसल को नोटिस किया, उसका तो स्टाइल ही बदल गया यार। तुमने भी तो बहुत तंग किया उस बेचारे को जिया। सुनो माँ इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ अगर अरसल ने मुझे सच में डिवोर्स दे दिया तो क्या होगा यार? मेरी मानो तो खुलकर बात करो उससे। हैं? नहीं भाई किस मुंह से बात करूंगी मैं उससे? उसी मुंह से जिस मुंह से उसको आज तक इंसल्ट करती आई हो। मैं नहीं उससे खुल खुल के बात कर सकती यार, वो मेरा बड़ा मजाक उड़ाएगा, मुझसे नहीं होती खुल के बात।
पागल लड़की शौहर है वो तुम्हारा और महरम भी, उससे क्या शर्माना। बल्कि तुम एक काम करो, अभी इसी वक्त जाओ उसके पास और अपने दिल की बात कह दो उससे। लेकिन हुमा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं किया, अभी और इसी वक्त। और हाँ, खबरदार अगर कुछ कहे बिना वापस आई तो। मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं करनी, बात कर कर आनी है, तभी इस मसले का कोई बेहतर हल निकलेगा। पागल, अच्छे से जा, खुदा हाफिज, बाय बाय बाय। सीधी तरह बता मुझे, आज क्या चंद चढ़ा के आया तू हैं? अब मैंने क्या किया है? ज्यादा औखा ना मेरे साथ, किंजा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओ अम्मा, तो है ही पागल, उधर लाज लाज कराओ एमी मेरे पीछे बनता उन्नो। ये खुला का क्या चक्कर चालक घर में है, सच सच बता मुझे। अम्मा, मैंने आपके सामने नहीं कसम खाई थी, मैंने नहीं देनी अदालत के थ्रू तलाक शलाक। चंड मारूंगी, मनारे पाकिस्तान पे चढ़ के देगा फिर तू तलाक। अम्मा, इधर दूंगा घर में सबके सामने जलील करके। भाई ये प्लान है तेरा? हाँ। इतने रख सो की थी ना मर्दा वाली गाल, पर किंजा बेचारी का दिमाग घुमाने की क्या जरूरत थी? ओ जान दे अम्मा, वो तो है ही पागल, ऐवें बकरी जी लाती मेरे पीछे। अच्छा चल दफा कर किंजा को, तुझे मनूज खबर सुनानी है मैंने। क्या हुआ? वो तेरा मामा है ना चीचा वतनी वाला, जो जी काल आ रहा है, जिनकी प्रेशर कुकर की फैक्ट्री है। हाय हाय अम्मा, वो तो सबको प्रेशर ही दे के रखते है। मैंने स्टेशन ट्यूशन कोई नहीं जाना उनको लेने। ना मैंने तुझे कब कहा है, जमशेद साहब खुद ही मत्था दे लेंगे। चल मेरा पुत्र आराम से सो जा है। ले आराम सुकून से सो जा, पूरा गिला कर दिया मुझे, सो जा। ना तो तूने कौन सा शिलिंग को जाना है, तुझे शिलिंग होने का डर है? शिलिंग का नहीं होता, शरिंग होता है। बड़ा अंग्रेजी का रूप पांदा रहता है। सारा मेरा ख्वाब जब बेड़ा गर्क करता है। चला गया पानी। लगता है अरसल मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है, उसकी मोहब्बत कहीं कोई ड्रामा ना हो, या फिर मुझे बेवकूफ बनाकर सारे पुराने बदले ना ले रहा हो। अल्लाह पूछे इस किंजा की बच्ची को, अम्मा को भड़का कर भिजवा दिया मेरे कमरे में। वो तो शुक्र है मैंने मुतमिन कर दिया उन्हें, वरना उन्होंने तो आज मेरे पास से सेक देने थे।
पायल किधर गई? ओए होए, डिवोर्स कब दे रहे हो तुम मुझे? क्या नींद में तो नहीं हो? नींद से तो अब उठी हूँ मैं अरसल जमशेद अली। क्या बोली जा रही हो, इफ्तारी में ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? हाँ खाया है मैंने, मैंने जहर खाया है और अब मैं मरने का इंतजार कर रही हूँ। तो ठहरो, कफन दफन का इंतजाम करने आ रहा हूँ मैं। अब इसको क्या हो गया यार? मैंने कॉल लगाई है, मेरी कॉल काट दी, अभी बताती हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, हर किस्म के शर से बचाए, तुम्हारे नसीब अच्छे करे। खाला जान, इस पूरे घर में ना सिर्फ आप ही हैं जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। जरा अपने झमेलों से फारिग हो जाऊं तो फिर तुम्हारी तरफ ध्यान दूंगी। अब तुम खुद ही देख लो कि क्या लंबे खाते खोल कर बैठ गए ये लोग। अपना अपना दिल बुरा ना करें, सब सेट हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा अपना दिमाग बहुत अपसेट है। मैं जा। अब बिलो सुनो, बिलो ये तुम क्या जलाल के साथ हरकतें करती फिर रही हो हैं? उन हरकतों के बारे में क्या ख्याल है जमशेद जी, जो आप उस छन्नों के साथ करते फिरते हैं? वो तो बीवी है ना मेरी, समझा करो इस बात को। यही बात अगर आप माजी में समझ जाते ना तो आज मेरी वही पोजीशन होती जो उस छन्नों की। हाँ बस कर दो यार, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। तो क्या हुक्म है मेरे लिए? हुक्म नहीं है, रिक्वेस्ट है कि जलाल से जरा दूर ही रहा करो। अच्छा क्या जलाल खान 440 वोल्ट का करंट मारते हैं या उसका खतरे के निशान पर कोपड़ी का फोटो है? जलाल भाई आप मेरी बात का गलत मतलब ना लें, तो कजन है मेरी, उसे समझाना मेरा फर्ज बनता है ना। माशाल्लाह तुम्हें अपने प्राइस का बहुत अच्छी तरह ख्याल है। और जमशेद अली साहब पहले खुद समझ लो, उसके बाद अवाम उन्नास को समझाने का कोशिश करो। बिलो जरा अलहदगी में हो, हमको तुमसे प्राइवेट बात करना है। अब मेरा घर लोग के सामने बात नहीं करता, चलो। एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? अरसल तुम मेरी प्रॉब्लम्स को छोड़ो, अपनी सुलझो। मेरा प्रॉब्लम तो मोहब्बत है, वो भी तुमसे, क्या करूं? बेवकूफ बना रहे हो ना तुम मुझे। अच्छा जी, ये इल्हाम आपको कब कैसे और क्यों हुआ है? मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारी और ताई अम्मा की बातें सुनी है। नहीं तो उनके सामने मैं तुम्हारी फेवर करता? दिमाग खराब है तुम्हारा, ताकि वो पंजे झाड़ के मेरे पीछे पड़ जाती। कब अक्ल आएगी तुम्हें जिया? मोहब्बत करता हूं यार तुमसे, और कितने इम्तिहान लोगे जिया? तो तुम भी तो मेरे साथ यही कर रहे हो ना सर? कौन सा इम्तिहान दिया मैंने तुम्हारा, जवाब दो। तुम क्या मुझसे नफरत करती हो? बुरा लगता हूं मैं तुम्हें तो कह दो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और जो तुमने हुमा से कहा है वो भी सब मैं जानता हूं। क्या क्या
क्या है? ये सब सर, मैंने तेरे लिए ऐसा अच्छा ना देसी घ्यो डाल के लच्छेदार पराठा बनाया है और कबाब भी बनाए हैं। माँ, लेकिन मैं तो ऑमलेट खाना ना। आए हाय, कल बना दूंगी ऑमलेट, है आज कबाब खा ले। मत दिल आज कर रहे हैं, मैं भी कल खा ला। अरसल, हाय किधर चला गया लड़का? जिया ने केस वापस लेना ही था किंजा। आप कैसे कह सकते हैं? तुमने नोट नहीं किया कुछ दिनों से दोनों की कंडीशन? क्या जरूरत थी ये सब करने की? शायद हर मोहब्बत मोहताज होती है किसी ना किसी हादसे की। उनको पहले एहसास नहीं हुआ होगा, उनको लेट एहसास हुआ है। तो ये मतलब नहीं है कि वो हमारी फीलिंग्स सब खेलते हैं। क्या फीलिंग्स यार, सच पूछो तो जिया ने कभी मुझसे ऐसी कोई बात की नहीं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। सर तो मुझे बार बार बोलते थे। क्या बोलता था? यही पसंद है उन्हें मेरी जैसी घरेलू लड़कियां, अब वो भी हर बात खुल चुके हैं। कोई बात नहीं, तुम भी भूल जाओगी बहुत जल्द। मैं कब भूलूंगी? जब तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो असल से ज्यादा अच्छा होगा और पूरा का पूरा तुम्हारा होगा, जिसके दिल के फ्रेम में सबसे पहली तस्वीर भी तुम्हारी ही होगी। प्लीज किंजा, अपने आप को ऐसे बंदे के लिए ख्वार मत करो जिसकी लाइफ का सेकंड ऑप्शन हो तुम। यू गेट माय पॉइंट? ठीक कह रहे हो। अच्छा छोड़ो ये फजूल बात है, हम ईद की शॉपिंग करने चले। ठीक है, मम्मी से पूछ के आते हैं। श्योर। सुनो